वेलकम बच्चों, जैसे कि हम लोग पिछले चैप्टर में 1.5 में हम लोग पढ़ चुके हैं जानवर के बारे में, और चैप्टर 1.6 में भी जानवर हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे हम लोगों को ये जानवर दिख रहा है, लेकिन ये जानवर जंगली जानवर है, ये घरेलू जानवर नहीं है। और पिछले चैप्टर में हम लोग दोनों के बारे में पढ़े थे, और आज इस चैप्टर में हम लोग जंगली जानवर के बारे में पढ़ाई करेंगे। ये हमारे लिए किस प्रकार से यूजफुल है और हमारे पर्यावरण के लिए कितने यूजफुल है। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। मैं हूं दुलारचंद दास और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद दुलार में। उन सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और वे इस चैनल से लाभ उठा रहे हैं। यह क्लास 5 का साइंस बुक चैप्टर 1.6 कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वन्य प्राणियों के संरक्षण। To protect the environment from harm or destruction is said to conserve the environment. पर्यावरण को नुकसान होने या बर्बाद होने से बचाना ही पर्यावरण का संरक्षण कहलाता है। Conservation of wildlife is very necessary because a large number of animals in the world today are facing the threat of extinction. वन्य प्राणियों का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है क्योंकि जानवरों की एक बड़ी संख्या इस दुनिया से विलुप्त होने के कगार पर है। Their number have reduced to such an extent that very few of them are found on the earth. उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है, वे दुनिया में बहुत कम संख्या में रह गए हैं। Such animals are called endangered animals is Bengal tiger, snow leopard, black buck, red panda, etc. इस प्रकार के जानवरों को विलुप्त जानवर कहा जाता है, जैसे कि बंगाल का बाघ, बर्फीली चिता, कृष्ण मृग, लाल पांडा इत्यादि। ब्लैक बग का मतलब होता है कृष्ण मृग, मतलब एक हिरण को मृग कहा जाता है जो ब्लैक कलर का होता है, उसको कृष्ण मृग बोला जाता है। आप लोगों को याद होगा सलमान खान ने एक ब्लैक काली हिरण को मार दिया था, वही है ये ब्लैक बग। चलिए छोड़िए इन बातों को, हम लोग आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स लाइक ओवर हंटिंग, पोचिंग, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स एंड पोल्यूशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। कारण है अत्यधिक शिकार करना, उसके आवास को नष्ट करना अर्थात जंगलों को नष्ट करना, और प्रदूषण का बढ़ना भी इसका जिम्मेदार है। पीपुल किल वाइल्ड एनिमल्स फॉर देयर बॉडी पार्ट्स लाइक हॉर्न ऑफ राइनोसेरस, टस्क ऑफ एलिफेंट, स्किन ऑफ बियर एंड टाइगर, हॉर्न ऑफ बारासिंघा आर सोल्ड एट हाई प्राइसेस अराउंड द वर्ल्ड। लोग जंगली जानवरों के बॉडी पार्ट्स को पाने के लिए उसको मारते हैं, जैसे कि गेंडे का सींग, हाथी का दांत, भालू और बाघ की चमड़ी, बारासिंघा का सींग, इन सभी को वे दुनिया के अन्य भागों में ऊंची कीमत पर बेचते हैं। पोचर्स आर दोज पीपुल हु हंट द एनिमल्स फॉर देयर बॉडी पार्ट्स। पोचर वे लोग होते हैं जो जानवरों को मारते हैं उनके बॉडी पार्ट्स को पाने के लिए। कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूनेस्को आर वेरी एक्टिव एंड दे आर सीरियस अबाउट वाइल्ड लाइफ। वन्य जीवों को बचाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्था जैसे कि यूनेस्को की स्थापना हुई है या वन्य जीवों के प्रति बहुत ही सक्रिय और गंभीर रूप से काम कर रही है। यूनेस्को एक ग्लोबल संस्था है जो जानवरों को बचाने के लिए इस संस्था को बनाया गया है। द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स मेथड एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट द कंजर्व देम। सरकार उनके बचाव और संरक्षण के लिए नियम, विधि और नीतियां बनाती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, हस्तिनापुर सेंचुरी उत्तर प्रदेश, नेशनल पार्क्स, जिम कॉर्बेट उत्तर, गिर फॉरेस्ट गुजरात, बायोस्फीयर रिजर्व्स सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व वेस्ट बंगाल ETC आर प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रेजेंट इन दैट एरिया। वन्य प्राणियों के अभयारण्य इन जगहों में है। अभयारण्य सेंचुरी जो होता है उसको अभयारण्य बोला जाता है। वो एक बहुत बड़ा पार्क होता है, बहुत बड़ा जंगल होता है जहाँ पे जानवर रहते हैं और यहाँ वहाँ पे कोई भी आदमी अंदर नहीं जा सकता, और अगर उसे जाना हो तो इजाज़त लेके जाना पड़ता है, और वहाँ पे कोई भी जंगली जानवरों को मारने का अलाउ नहीं होता है। यहाँ पे कई जगहों में सेंचुरीज अभयारण्य है, जैसे कि हस्तिनापुर अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है, और नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट यह भी उत्तर प्रदेश में है, और
गिर फॉरेस्ट, गिर नाम का एक बहुत बड़ा जंगल है वहाँ पे, गुजरात में है। और फिर बायोस्फीयर रिजर्व या सुंदर वन, बायोस्फीयर रिजर्व वेस्ट बंगाल में है। और सुंदर वन का नाम आप लोग सुने होंगे, सुंदर वन सबसे बड़ा डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदर वन में ही है। ये सभी जगह वन्य प्राणियों के संरक्षित क्षेत्र हैं। इन सब जगहों में ये जंगली जानवर सुरक्षित रहते हैं। इसके आगे देखते हैं, टाइगर इज ए फेरोसियस एनिमल दैट इज नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स ब्यूटी। बाघ एक खूंखार जानवर है, इसे इसकी सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। टाइगर्स आर हंटेड फॉर देयर बोन्स एंड स्किन। बाघ को उसके बोन्स, हड्डी और उसके स्किन, चमड़ी के लिए मारा जाता है। इन बिगिनिंग ऑफ 1900 द नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया वॉज अबाउट 10,000 बट इट केम डाउन टू ओनली 1827 इन 1972। 1900 ईस्वी के शुरुआत में बाघों की संख्या भारत में लगभग 10,000 था, लेकिन 1972 तक यह कम होता गया और मात्र 1827 बाघ ही बच गया। इन 1973 प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन द कंट्री। भारत में बाघों को बचाने के लिए 1973 में सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वॉज टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य यह निश्चित करना था कि देश में बाघों का सही रख रखाव हो सके और उसकी संख्या बढ़ सके। इन इंडिया सतपुरा टाइगर रिजर्व इज यूनिक इन द सेंस दैट सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैज बीन सीन हियर। भारत में सतपुरा टाइगर रिजर्व एक अनोखा जगह है जहां बाघों की संख्या में अद्भुत वृद्धि देखी गई है। सतपुरा एक बहुत बड़ा जंगल है, वहां पे बाघों के लिए अनुकूल जगह है और बाघ वहां पे काफ़ी तेज़ी से अपनी संख्या को बढ़ा पा रहे हैं। ह्यूमन बींग्स आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स। मानव प्राणी जानवरों पर निर्भर करते हैं। ह्यूमन बींग इज द एनिमल विच डिपेंड्स ऑन अदर एनिमल्स फॉर सर्वाइवल। मानव प्राणी एक ऐसा जानवर है जो जीवन जीने के लिए दूसरे जानवरों पर निर्भर रहता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ह्यूमन बींग इज द एनिमल, मतलब मनुष्यों को भी जानवर कहा जा रहा है, तो मनुष्य एक प्रकार से जानवर ही है, लेकिन जानवरों से थोड़ा अलग है क्योंकि मनुष्यों में सोचने की शक्ति है और जानवरों में उस प्रकार की शक्ति उसमें नहीं है। वी सो इन प्रीवियस सेक्शन पिछले चैप्टर की बात कर रहा है, उसमें भी हम लोग एनिमल के बारे में पढ़ चुके हैं, वैसे ही बता रहा है कि वी सो इन प्रीवियस सेक्शन दैट एनिमल्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस। हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जानवर हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। सो मैनी बिजनेस इज रिलेटेड टू एनिमल्स बाई विच ह्यूमन बींग्स अर्न मनी लाइक मिल्क प्रोडक्शन, डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्मिंग, बी कीपिंग, फिशरी, सर्कस, टेक्सटाइल्स इटीसी। हमारे बहुत सारे व्यापार जानवरों से जुड़े रहते हैं जिसके द्वारा मनुष्य पैसे कमाते हैं, जैसे कि दूध का उत्पादन जिसे डेयरी फार्म कहते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग अर्थात मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, सर्कस, कपड़ों का व्यापार और बहुत सारी चीज़ें जानवरों से जुड़ी हुई है। यू मस्ट हैव सीन स्नेक चार्मर्स हु नॉट ओनली कैच द स्नेक्स फॉर एंटरटेनमेंट बट आर वेरी क्रूल टू देम। आपने अवश्य सपेरे को देखा होगा, स्नेक चार्मर्स, इसका मतलब है सपेरा, सांप पकड़ने वाला। आपने अवश्य ही सपेरे को देखा होगा, वह सिर्फ मनोरंजन के लिए ही सांप को नहीं पकड़ता बल्कि वह उसके प्रति बहुत ही निर्दयी होता है। दे कैच द स्नेक्स एंड सेल देम फॉर देयर पॉइजन स्किन इटीसी। वह सांप को पकड़ता है और उसको बेच देता है उसके जहर के लिए और उसके स्किन, उसके चमड़ी के लिए। इसके अलावा और भी चीज़ें उनसे प्राप्त होता है सांपों से उसको, लेकिन फिलहाल दो चीज़ों के बारे में बताया गया है। दे किल द स्नेक्स एंड यूज देम इन प्रोडक्शन ऑफ अदर थिंग्स। वे सांप को मार डालते हैं और उससे कई चीज़ों का उत्पादन करते हैं, ये कई चीज़ें उससे बनाते हैं। ये स्नेक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम एंड फूड चेन। पारिस्थितिकी तंत्र और खाद्य श्रृंखला के लिए सांप बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इकोसिस्टम एंड फूड चेन,
इन दोनों चीज़ों के लिए सांप बहुत ही आवश्यक है। इकोसिस्टम आप समझ सकते हैं, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र इतना, इस प्रकार का हिंदी समझने में बहुत ही मुश्किल होगा। फूड चेन आप आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन आपको खाद्य श्रृंखला समझने में दिक्कत होगा। आपको फूड चेन का हम एक पिक्चर दिखाते हैं। ये देखिए, ये फूड चेन का पिक्चर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ग्रास उगा हुआ है, और ग्रास, ये ग्रास होपर इस ग्रास को खाता है, घास को खाता है, उसके बाद ये चिड़ियाँ इस ग्रास होपर को खा जाता है, और सांप इस चिड़िया को खा जाता है, और इस सांप को उल्लू खा जाता है, यहाँ पे देख रहे हैं। और फिर उल्लू जब मर जाता है तो वह मिट्टी में मिल जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, उसमें मिट्टी में मिलके मिट्टी का उर्वरक शक्ति बढ़ा देता है, और उससे फिर घास उगता है। ये देख रहे हैं, इस तरह से ये घूमते रहता है, घूमते रहता है। इसी को बोलते हैं फूड चेन। तो आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। मदारी इज आर पीपल हु कैच बियर एंड मंकीज एंड ट्रेन देम टू ओबे देयर ऑर्डर टू इंटरटेन पीपल। मदारी वे लोग होते हैं जो भालू और बंदर को पकड़ते हैं और अपनी आदेश मानने के लिए सिखाते हैं और लोगों का मनोरंजन करते हैं। दे ट्रेन द एनिमल्स बाय बीटिंग देम। वे जानवरों को मार मार कर सिखाते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं जानवरों का, डेयरी फार्म इस तरह से, जहाँ डेयरी फार्म खोला जाता है। ये पोल्ट्री फार्म हो गया, मुर्गी को पाला जाता है। बी कीपिंग, ये मधुमक्खी पालन है। फिशरी, ये मछली पालन है। और ये सर्कस, सर्कस में जानवरों का उपयोग किया जाता है। सर्कस में जानवर अलग अलग अनोखे खेल दिखाते हैं। और यहाँ पे ये चैप्टर 1.6 समाप्त हो जाती है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है। ये देखिए, इसमें क्वेश्चंस दिया हुआ है। नेम द फॉलोइंग दे दिया है। यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग होना चाहिए था। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे जिन बच्चों से मैंने बुक लिया है, उन बच्चों ने ये पिक्चर बनाया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रू फॉल्स दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। और जहाँ तक मैंने ये पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ जितना भी क्वेश्चंस दिया हुआ है ट्रू फॉल्स का, ये सारे के सारे फॉल्स हैं, एक भी ट्रू नहीं है। तो आइए मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बना के दिखाता हूँ। यह है चैप्टर 1.6 का क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग। व्हाई डू मदारीज ट्रेन द एनिमल्स। मदारीज ट्रेन द एनिमल्स टू ओबे देयर ऑर्डर टू एंटरटेन पीपुल एंड दे कुड अर्न मनी। व्हाट इज प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर इज ए कंजर्वेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 1973 बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन द कंट्री। व्हाई डू पीपुल किल वाइल्ड एनिमल्स। पीपुल किल वाइल्ड एनिमल्स फॉर देयर बॉडी पार्ट्स लाइक हॉर्न ऑफ राइनोसेरस, टस्क ऑफ एलिफेंट, स्किन ऑफ बियर एंड टाइगर etc. आर सोल्ड एट हाई प्राइसेस अराउंड द वर्ल्ड। विच आर द एनिमल्स दैट आर पोस्ट। सम एनिमल्स लाइक राइनोसेरस, एलिफेंट, बियर, टाइगर, बारासिंघा, स्नैक etc. आर पोस्ट बाय द पीपुल। What do you understand by cruelty to animals? Human beings are depend on other animals. After all, some people kill many wild animals. Snake charmers catch snake and sell them. Our any behavior harmful for animals is cruelty to animals. Question number 2, true false जहाँ दिया हुआ है, अभी मैंने बताया कि सभी के सभी false हैं। और question number 3 में fill in the blanks दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने direct इसका answer दे दिया है। आप इसको, आप अपने बुक में क्वेश्चन को देखकर उसमें भर सकते हैं यहाँ से। अगर हमारी वीडियो से आपको थोड़ा भी मदद मिलता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ, आप लोगों को जो आंसर ये दिया जा रहा है, आप लोग अपने हिसाब से भी इसको ठीक ढंग से पढ़ लें, क्योंकि मैंने यूट्यूब में भी इस तरह के वीडियो सर्च किए हैं और कई जगह इसके आंसर दिए गए हैं। लेकिन मैं अगर कहूं कि वो सटीक आंसर हर जगह नहीं होता, मैं ये नहीं कहना चाहता कि जो लोग बनाए हैं वो गलत है, लेकिन सटीक आंसर होना आवश्यक है। हर जगह आपको हर वीडियो में सटीक आंसर मिल जाए, ये मैं नहीं समझता कि ये मुमकिन है। लेकिन मैं आपको जो आंसर दे रहा हूं, आप उसको अपने ढंग से उसका जाँच कीजिए, आप अपने से भी उसको थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ाई कीजिए कि क्या ये सही है। इसे हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे, विच आर एनिमल्स दैट आर पोस्ट। पोस्ट का मतलब यहाँ पे चैप्टर में दिया गया है, पोचर वो होता है जो जानवरों को मारता है, जानवरों को किल करता है। तो यहाँ पे आंसर में ये दिखाया गया है कि राइनोसेरस, एलिफेंट, बियर, टाइगर, ये सारे जानवरों को मारा जाता है, स्नेक को भी मारा जाता है,
तो यहाँ पे मैं समझता हूँ ये सटीक आंसर है, लेकिन किसी वीडियो में मैंने ये भी देखा है कि वहाँ पे दूसरे दूसरे जानवरों को दिया गया है, उन जानवरों के नाम दिया गया है, जैसे बंगाल टाइगर, वहाँ पे चैप्टर में आप एक जगह पढ़े होंगे, आपको दिखाते हैं। मैंने एक वीडियो में देखा उसमें ये सारे जानवरों के नाम दिए गए हैं, बंगाल टाइगर, स्नो लियोपार्ड, ब्लैक बक, और ये सब जानवर इंडेंजर्ड एनिमल है। इंडेंजर्ड मतलब लुप्त होते जा रहे हैं, दुनिया में खोते जा रहे हैं। अब इन जानवरों के नाम को इस क्वेश्चन के आंसर में डाल दिया गया है, तो उस हिसाब से जहाँ तक मैं समझता हूँ तो गलत ही है। तो इसीलिए आप जो भी क्वेश्चन लिख रहे हैं, जो मैं दे रहा हूँ, उस निश्चित रूप से सही ही होगा, लेकिन फिर भी आप एक बार आप खुद से जांच कर लेंगे। आप पूरा चैप्टर ध्यान से चैप्टर का वीडियो देखिए और समझिए कि यहाँ पे जो आंसर दिया गया है वाकई में वो सही है या गलत है, क्या है, क्योंकि आपको आँख मूंद के किसी चीज़ पर विश्वास नहीं करना है। आप उसको देखते हैं, आप परखिए, उसको परखिए, फिर आप देखिए कि आंसर सही है, क्योंकि वही बच्चा ऐसा करेगा जो पढ़ाई करेगा। जो पढ़ाई नहीं करेगा वो सिर्फ यहाँ से वीडियो से देखेगा, उस आंसर को अपने कॉपी में छापेगा और फिर भूल जाएगा कि क्या करना है, उसको याद करना या नहीं करना है। तो आपको जो भी आंसर हम दे रहे हैं उसको जांचना भी है, जांचना है, परखना है, उसके बाद उसको यूज करना है। तो इसका आगे का चैप्टर पढ़ाई करने के लिए हम लोग अगले वीडियो में चलेंगे। आइए हम लोग अगले वीडियो में चलते हैं।